गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ। आज हम एक्सरसाइज 5.2 शुरू करेंगे और 5.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये एक्सरसाइज आपकी वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज है। द पॉपुलेशन ऑफ ए बी एंड सी स्टेट्स ऑफ इंडिया, ये इंडिया की थ्री स्टेट्स हैं ए बी एंड सी, इज 4,04,35,67,898, 9,45,67,892 एंड 34,78,92,451 रेस्पेक्टिवली। ये थ्री स्टेट्स का दिया गया है पॉपुलेशन। फाइंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट्स, तो हमें इनका टोटल पॉपुलेशन पता करना है। तो क्वेश्चन पढ़ के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें हमें करना क्या है, ऐड करना है। बस थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी आपको, और लैंग्वेज है पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ए, पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ए। तो ए का पॉपुलेशन ये दिया गया है स्टेट ए का, एंड पॉपुलेशन ऑफ स्टेट बी, बी स्टेट का ये दिया गया पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ऑफ स्टेट सी, स्टेट सी का ये दिया गया है। तो टोटल पॉपुलेशन फाइंड करने के लिए हम इन तीनों नंबर्स को क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। तो प्लस करने पर आ जाएगा 48,60,28,241। अंडरस्टैंड, प्लस करना आपको आता होगा और आप कर भी सकते हैं प्लस करना। इसको प्लस करेंगे, बहुत आसान है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ फैक्ट्री प्रोड्यूस थ्री काइंड्स ऑफ अ आइटम, द नंबर ऑफ दीज आइटम्स इन द ईयर 2003 इज 9,54,32,150, 4,56,32,130 एंड 5,94,205। वाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस्ड बाई द फैक्ट्री। तो एक फैक्ट्री थ्री टाइप्स के आइटम को बनाती है। तो 2003 ईयर्स के अंदर उसने ये तीन तरह के आइटम्स को उन्होंने प्रोड्यूस किया। तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने प्रोड्यूस किए। तो यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाई द फैक्ट्री। तो फैक्ट्री के द्वारा टोटल कितने आइटम्स प्रोड्यूस किए, तो देखिए टोटल ये हो जाएगा, फर्स्ट टाइप का आइटम है, ये सेकंड टाइप का आइटम है, ये थर्ड टाइप का आइटम है। इन तीनों आइटम को हम करेंगे प्लस, और तीनों आइटम को प्लस करने पे हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 14,16,98,485। अंडरस्टैंड, प्लस करना था, हमने कर लिया और आंसर भी हमारा आ गया। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। लैंग्वेज बहुत सिंपल थी, सिर्फ लिखना है हमें टोटल नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय द फैक्ट्री। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 3, जो आज का आखिरी क्वेश्चन है। द एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी बाज 9,56,78,553 इन 2001। इन द ईयर 2003 एंड 2003 इट वाज रुपीज़ 10,20,90,051 एंड 2,45,34,008 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द टोटल एक्सपेंडिचर फॉर द थ्री ईयर्स। तो थ्री ईयर्स का टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा ये हमें बताना है। देखिए फर्स्ट ईयर का एक्सपेंडिचर ये दिया गया है, सेकेंड ईयर का ये है, और थर्ड ईयर का ये है। तो हमें टोटल एक्सपेंडिचर पता करना है। तो लिखेंगे हम टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी। तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी फॉर द थ्री ईयर्स इज, तो इन थ्री नंबर्स को प्लस करेंगे, ये फर्स्ट ईयर का एक्सपेंडिचर है, ये है सेकेंड ईयर का एक्सपेंडिचर, ये थर्ड ईयर का एक्सपेंडिचर। और इन तीनों जो ईयर का जो एक्सपेंडिचर है उसको हम टोटल करेंगे, जैसे हमारा टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो टोटल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 22,23,02,612 रुपीज़। ओके, तो इस तरीके से ये आज के तीन क्वेश्चंस हुए, जिन्हें आपने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड किया, इन्हें आपने सॉल्व करना है। ओके, बाकी क्वेश्चंस हम कल सॉल्व करेंगे, आज के लिए बस इतना ही।